तो ये देखिए हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। कैसी दिख रही है देख सकते हो। ऐसी गजब की सब्जी आप बनाओगे तो आपकी फैमिली मेंबर आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगी। तारीफ मिलने की गारंटी 100% मेरी है। आप अगर इस तरीके से पनीर की रेसिपी बनाएंगे तो आपका संजनी अमेजिंग ब्लॉग्स में स्वागत है। और मैं हूँ संजनी झा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी इस रेसिपी के लिए तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, फटाफट बनाएंगे शुरू करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए धनिया पत्ती, प्याज, टमाटर, लहसुन और मीठी नीम पत्ती है। तो इतनी सामग्री हमें चाहिए मसालों के लिए। और ये पनीर है, 500 ग्राम पनीर है, आधा किलो ये पनीर हमने लिया। और अब हम फटाफट से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है पनीर को, हमने पानी जो है गर्म किया, उसमें पनीर को डाल दिया है। थोड़ा सा पानी देख सकते हो हल्का कुनकुना हो गया है, बॉईल होने तक पनीर को गर्म किया और निकाल लिया हमने। और जितने मसाले हमने आपको दिखाए थे ये सब देखिए कट कर लिए। और जो धनिया पत्ती में डंडी थी वो भी हमने कट की, एक भी डंडी नहीं फेंका हमने, और सबको कट कर लिया। मीठी नम पत्ती है और टमाटर है, रफली सबको चॉप कर लिया है क्योंकि हमें इसे मिक्सर में डालना है, पीसेंगे सबको। सबको कट कर लिया हमने फटाफट से, जब तक हमारा पनीर बॉईल हुआ है और उसे हमने निकाला है, देखिए निकाल लिया है। ये जब तक ठंडा हुआ तब तक हमने मसाले फटाफट से तैयार किए। और अब इसको हम कट कर लेंगे फटाफट। जितनी बड़ी आपको पीस रखनी है, छोटे रखनी है तो छोटे कट कीजिए, बड़े रखने हैं तो बड़े कट कीजिए। और पानी से हमने निकाल लिया देखिए। और अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। और हमने जो है सरसों तेल में इसे बनाया है इसलिए येलो कलर दिख रहा है। और तेल जब गर्म हो जाए तो देखिए इस तरह से आप एक डाल करके देख लीजिए। अगर आप कच्चे तेल में डालेंगे तो वो भी ख़राब हो जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो भी ख़राब होता है, चिपकने का ज़्यादा खतरा होता है। तो इस तरह से एक डाल कर देख लीजिए, और जब ठीक लगे तो आप मीडियम फ्लेम रखना है तेल का, ज़्यादा हाई नहीं ज़्यादा लो नहीं। और देखिए हल्का ही आपको फ्राई करना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा रेड कर दोगे, रेड कलर करोगे तो वो कड़क हो जाती है, फिर सॉफ्ट नहीं रहेगी। और ये देखिए हमने मिक्सर में डाल लिए हैं मसाले, इसमें टमाटर छोड़ के बाकी हमने सारे मसाले डाल लिए हैं। और अब तेल में हम डालेंगे जीरा और मीठी पत्ती, और जो मसाले हमने पीसे थे वो डाल दिया हमने इसमें फटाफट से। और इसको फ्राई होने देते हैं, ढक्कन लगा दिया हमने और गैस का फ्लेम जो है हाई कर दिया है। और देखिए 5 मिनट के बाद हमने इसे एक बार निकाला चलाया है तो इस तरह का हो चुका है। और अब जो है गैस का फ्लेम कम कर देंगे। और ये हमने टमाटर अलग से पीसा है, और ये टमाटर अब हम डालेंगे। और देखिए हमने इस तरह से सारी तलकर रेडी की थी। तो आपके घर में जैसा पसंद करते हैं, ज़्यादा रेड तो रेड कीजिए, और रेड पसंद नहीं करते तो सॉफ्ट, इस तरह से हल्की रेड हल्की सॉफ्ट, तो वो कड़क नहीं होती पनीर, नहीं तो कड़क हो जाएगी। और इस मसाले को जब तक ये मसाले होते हैं देखिए। और आपको एक बात बता दें, हम यहाँ पर बहुत स्किप किया हमने इस वीडियो को, हल्दी डाल दिया है, हल्दी मिर्ची और धनिया डालेंगे, स्किप किया ताकि वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी। 15 मिनट की वीडियो हमने स्किप करते करते 7 मिनट पर लाया है। और इतनी बचाई है कि इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती तो टाइम तो नहीं होता है। तो और ये मसाले हम डालेंगे जब हमारा जो है तेल छोड़ दे मसाला, क्योंकि आप जब मसाले फ्राई करते हो तो 15 मिनट लगती है मसालों को फ्राई करने में। इस तरह से अब हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, पर हमने हल्का सा डाला मिलोस का जो मसाला था ग्रेवी वाला, क्योंकि हमारे घर में मसाले नहीं खाते हैं लोग, ज़्यादा कम खाते हैं। अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और देखिए मसाले में मिक्स कर दिया पानी डाल के, और इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मिक्स करके हम ग्रेवी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर पनीर डालना है। और मसाले का कलर देखिए कितना प्यारा ब्यूटीफुल आ चुका है। और मसाले हमने कुछ नहीं डाले, हल्दी मिर्ची धनिया और थोड़ा सा नीलों का जो ग्रेवी वाला मसाला था वो ज़रा सा डाला,
और अब इसमें हम डाल देंगे पनीर फटाफट से, और फटाफट से सारे पनीर हम डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए मिक्स कर दिया हमने फटाफट से, और लुक देखिए कितना प्यारा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसमें अब हम, और वीडियो हमने इसलिए बनाई है जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आती है तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो होने वाली है। और देखिए हम नमक डाल रहे हैं इसमें, और जिनको आती है वो स्किप कर लें, और जिनको नहीं आती है तो वो पूरी देख सकते हैं और आप बहुत अच्छे से रेसिपी सीख जाओगे। और आती भी है तो भी आप अगर इस तरीके से नहीं बनाते तो बना के देखिएगा। और अब हमारी रेसिपी तैयार है। देखिए आप अगर पराठे के साथ खाना चाहते हो तो बस सूखी सब्जी आपकी रेडी है। अब आप उसको कुछ नहीं करना, पानी भी नहीं डालना है, तो ये सूखी सब्जी बनकर रेडी। और हमें ग्रेवी वाली बनानी है तो हमने थोड़ी पानी डाल दी है। तो आप पूड़ी के साथ, भात के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। और ये ट्रिक है, देखिए मैगी मसाला हमने हल्का सा डाला है इसमें, वो भी ज़रा सा, क्योंकि हमारे यहाँ मसाले नहीं खाते हमारी फैमिली मेम्बर ज़्यादा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैगी मसाले ही डालने हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो, हम भी कुछ भी डालते हैं, मटन मसाला, चिकन मसाला, सब्जी मसाला, गरम मसाला। और ये इलायची हमारी देखिए हमने बनाई थी जो, ज़रा सी डालेंगे बस। और ये ट्रिक है किसी भी सब्ज़ी में खुशबू लाने का। तो देखिए मसाले रेडी हो रहे हैं, हो चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ धनिया पत्ती, डालनी हमारी बच गई है, हमने गैस का फ्लेम जो है अब बंद कर दिया। और ये कटी हुई धनिया पत्ती हमने रख ली, डंडी जुत्ती थी हमने मसालों में पीस दिया ग्राइंडर में डाल के, तो डंडी नहीं दिख रही, उसका टेस्ट आ चुका है। और जो पत्ती थी हमारी वो हमने कट करके रखा था, देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। सर्व करने के लिए गार्निश कर लिया हमने। और अब हमारी सब्ज़ी का लुक आप देख सकते हो, सब्ज़ी बनकर रेडी है, रेसिपी तैयार है, पनीर की ग्रेवी वाली रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो देखिए लुक है ना, गजब का लुक आया ना। और मसाले भी हमने कोई खास नहीं डाले इसमें, ना हमने गरम मसाले डाले हैं, ना तेज़पत्ते डाले हैं। आपके पास हो तो आप बिल्कुल डाल सकते हो, हमारे यहाँ ज़्यादा मसाले नहीं पसंद करते हैं तो इसलिए हम ज़्यादा गरम मसाले यूज़ नहीं करते हैं। और हमने जो है डेली यूज़ की सब्ज़ी बनाई है इसलिए हमने बस ऐसे ही सूट कर लिया, बनाने जा रहे थे पनीर की रेसिपी तो सूट कर लिया है, स्पेशल नहीं बना रहे हैं। और ये देखिए अब हम इसे सर्व करने के लिए आ चुके हैं, तो बनकर रेडी हो गई। और इस तरह से सर्व करके हम निकाल रहे हैं। तो देखिए सब्ज़ी का लुक देखिए, मुँह में पानी आ रही है कि नहीं आ रही है बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।